الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأولياء ملته الصالحين وعلماء أمته الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام ساتھی اونچی آواز دے نال جھوم جھوم کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك سيدي يا رحمة للعالمين قسم رب دی ولی رب دے بڑے لجپال ہوندے نے قسم رب دی ولی رب دے بڑے لجپال ہوندے نے جڑے پکے عقیدت دے او مالا مال ہوندے نے حکارت نال نہ ویکھیں انہاں دی سادگی ولے بھئی حکارت نال نہ ویکھیں انہاں دی سادگی ولے میں سنیا اے اندر بھی لال ہوندے نے میں سنیا گوڑیاں دے اندر بھی لال ہوندے نے مرن تو بعد بھی رکھ دے خیال اپنے مریداں دا مرن تو بعد بھی رکھ دے خیال اپنے مریداں دا ولی اپنے مریداں دے ہمیشہ نال ہوندے نے ولی اپنے مریداں دے ہمیشہ نال ہوندے نے نیازی مرشد کامل تو وار دے
सब कुछ अपना जड़े मुर्शिद तू विक जांदे कदों कंगाल होंदे ने जड़े मुर्शिद तू विक जांदे कदों कंगाल होंदे ने यह तवज बेहतराम सदात किराम उलमाए इज़ाम आशकाने रसूल अल्लाह वाहदहु ला शरीक इस सोनी ते अजीम शान महफिल पाक अपनी अजीम बारगाह दे अंदर मकबूल ते मंजूर फरमावे पीरे तरीकत रहबरे शरीयत पीर सैयद मुस्तफा शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहदा अजीम शान सालाना उर्स मुबारक और मैं बेहद मशकूर हाँ अपने वड़े भाई मोहम्मद अब्दुल करीम साहब का और उन्होंने रूझे मुंतजमीन साथियों का जिन्होंने बंदाए ना लायक को ही लायक समझिया कि वलीए कामिल दे उस पाक की तकरीब के अंदर सैदी साहब और दीगर उशाकान मुस्तफ़ा उलमाए ज़वील इहतिशाम तशरीफ़ फरमाए हैं बंदे नाचीज अदना जिया तालिब इल्म दी हैसियत नाल सबक सुनाने वास्ते हाजिर थे दुआ करो अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए जिस मोहब्बत नाल तुसां ये तमाम इंसराम कीता खुदा ताला अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमावे जिन्हें जिन्हें साथियों ने काविश कोशिश की अल्लाह कदम कदम से और हर अमल बदले जजाए खैर अता फरमावे सब दी इल्म उमर सेहत रिज़्क़ च अल्लाह बरकत अता फरमावे आपको आमीन बिलखसूस मेरे भाई साहब बीमार हैं दुआ करो अल्लाह इन्हां को सेहत आजला कामिला अता फरमावे दोस्ताने गिरामी उलमाए किराम ने बड़ी काविश की कोशिश की और ये सोहनी तकरीब जिदे अंदर कसीर तादाद अंदर उशाकान मुस्तफ़ा मौजूद हैं जिन्होंने ये काविश की खर्च किया अलमा साहब दोस्तों अब आप चल के आखिर वजह क्या है अगर जाहिरन समझो ना तो सारा किबला सैयद मोहसिन शाह साहब नाल कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं जिस्मानी रिश्ता नहीं अलग गाल है रूहानी रिश्ता है असा इन्हां दे दर दे नौकर ते गुलाम है इन्हां दे खादिम है ता नौकरी करन वास्ते आए बैठे हैं लेकिन कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं ते वल क्यों कट्ठे ते बैठे हो तू साथे मैं क्यों आया इतना सफर करके आखिर वजह क्या है दोस्ताने गिरामी आखिर कोई वजह है ना कि इन्हां बुजुर्गों के अंदर केड़ा कमाल है कि अरसा गुजरन तो बाद भी आज आशिक कट्ठे थी दे उन्हां दा जिक्र खैर मने दे पेन आखिर वजह क्या है दोस्ताने गिरामी कुरान तो पूछिए कुरान दसा सक ते केड़ा कमाल है बुजुर्गों का कुरान बोलिया फज़कुरूनी अज़कुरकुम अल्लाह करीम फरमा दे तुसा मेको याद करो मैं तुआ को याद करा तुसा मेरा जिक्र करो मैं तुआड़ा जिक्र करा मालिक असा तेरा जिक्र करूं जब तक ये सादी माला चलती पई है उन वक्त तक जिक्र असा फानी खत्म थी वजने मालिक व साड़ी तरफ जिक्र बंद फरमाया तुसा अपने आखिरी सामा तक अल्लाह अल्लाह करेंदे रहो जेले दुनिया तो टोर वेसो मैं लोगों की जुबाना दे मोहसिन शाह जारी कर देसा मोहसिन शाह थी दे तो दोस्तों ने गिरामी यही कमाल है इन्हां बुजुर्गों का कि सारी जिंदगी उन्हें अल्लाह अल्लाह की है अज मजार दुनिया मोहसिन शाह के नारे लेंदी पई है ताकि आमत लगते रह और दोस्तों ने गिरामी जिहड़ी आयत करीमा तुहाडे सामने खुतबे दे अंदर मैं तिलावत की जरा गुफ्तगू का आगाज करूं तुसा तवज्जो रखो मैं अल्लाह का कुरान पेश करा बोलो जरा सुभान अल्लाह करीम शाद फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह ऐ ईमान वालों अल्लाह को डरो वकूनू मअस्सादिकीन और सच्चा दे नाल रल वंजो अल्लाह को डरो सच्चा दे नाल रल वंजो अल्लाह करीम ने हुक्म हर कहीं को नहीं दिता पहले किताब नहीं फरमाया या अहल किताब ये नहीं फरमाया या यूहन्नास भी नहीं आख्या अल्लाह करीम ने या युहल मुनाफिकून नहीं आख्या या युहल काफिरून नहीं आख्या मुनाफका काफरा बेईमाना नाल गाल गाल कीती कहनी रब ने गाल कीती है किना नाल जे रसूलुल्लाह दे सच्चे नौकर है या युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो ते ईमान वाला हुंदा केड़ा है
ईमान वाला जड़ा इल्म पढ़े ते वल नबी दे गिल्ले करे आके हुजूर को दीवार दे पीछे दा पता कह नहीं कल की खबर कोई नहीं हुजूर कुछ नहीं जानते गैब दा इल्म कोई नहीं नबी को जड़ा इहो जिया इल्म रखे सट परे गंदी नाली के जे इल्म को नहीं जरूरत है जे इल्म दी इल्म ओ इल्म होंदे जिदे सीने विच ए दिल विच इश्क ए रसूल होवे सीने विच इश्क ए मुस्तफा हो ईमान वाले को आका ईमान वाले केड़े हैं फरमाया ईमान वाले ओ होने जेड़े मैं नबी दे नाल अपनी औलाद तो पियो मां तो सारे रिश्तेदारों तो सब लोगों तो वध के मैं मुहम्मद नाल प्यार करन ओ ईमान वाले ईमान वालो अल्लाह करीम ने खिताब फरमाया और याद रखो ये अजीम शान खिताब है जेड़ा अल्लाह करीम ने एक बारी नहीं दो बारी नहीं एक गुनाहगार हुजूर दी उम्मत को अल्लाह करीम 28 बारी कुरान फरमाया 28 बारी या अय्युहल्लज़ीना आमनु ईमान वालो दोस्ताने ग्रामी सोचने वाली गल है क्या सारे अमल पहले उम्मत को नको ज्यादा अच्छे हैं सारे शक्ल ज्यादा अच्छे हैं ऐसा ज्यादा ताकतवर हैं या सारे को माल और सर ज्यादा है नहीं दोस्ताने ग्रामी पहले बड़े बड़े खूबसूरत जवान आए दुनिया तो चले गए बड़े सर वाले आए चले गए बड़े बादशाह आए चले गए अल्लाह करीब ने पहली कहीं उम्मत को एक खिताब नहीं किया अगर खिताब किए सरकार की उम्मत ना अल्लाह किताब लेकिन अर्ज की बेनियाज एडे गंदे अमल साडे वल भी तू आखे या अय्युहल्लज़ीना आमनु अल्लाह करीम फरमाया मैं तुहाडी तुहाड़ी गुनाहगारी वाल नहीं देखता पिया यार दी यारी वाल पिया देखता यार दी यारी वाल सदकाए नबी लजपाल दा हुजूर दे सदके अल्लाह करी फरमांदे या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऐ ईमान वालो इत्तकुल्ला अल्लाह को डरो अल्लाह करीम ने सद के ना ईमान वालो गाल सुनो जी या अल्लाह क्या हुक्म है अल्लाह करीम सद के ना दो हुक्म फरमाए ई आयत के अंदर दो हुक्म तवज्जो है तोड़ी यार दो हुक्म ने तन केड़े इत्तकुल्ला पहला हुक्म अल्लाह को डरो दूजा हुक्म कूनू मासादिकीन सच्चा दे लड़ लग वंजो सच्चा दे लड़ लग वंजो अल्लाह दे वलिया दे लड़ लग वंजो रब्बे करीम ने दो हुक्म दिते आयत के अंदर गोया आयत के अंदर अल्लाह करीम ने हुक्म दिता अल्लाह वालिया दे नाल निस्बत जोड़ गिनो क्या करो अल्लाह वालिया नाल निस्बत कायम करो अल्लाह वालिया नाल निस्बत जोड़ गिनो निस्बत जोड़न दा हुक्म हुण मैं सरकार दे दीन दा आदना जिया नौकर होके अर्ज करा तो सारे ग्रामी अल्लाह करीम ने वलिया दे नाल निस्बत जोड़न दा हुक्म क्यों दिता इंदे बहुत सारे जवाब हैं उलमाए किराम ने बहुत सारे जवाब इशाद फरमाए लेकिन दोस्तों ने ग्रामी कम वक्त के अंदर जो कसीर तादाद के अंदर पढ़ने वाले मौजूद हैं मैं कम वक्त के अंदर आपको मसला समझाना चाहना तवज्जो है जनाब दी बोलो जरा सुभान दोस्तों ने ग्रामी अल्लाह करीम ने ये हुक्म क्यों फरमाए वजह क्या है निस्बत जोड़न नाल मिलता क्या है बस इतना अर्ज करने जो आए बैठे वे खाली झोलियां घेंदे वली ए कामिल दी उर्स दी महफिल दे अंदर सादाते किराम उलमाए किराम आका करीब से उलमाए किराम आप मौजूद बैठे ने इन्ना कोनो कुछ घेन के वंजो खाली झोलियां घेन के आए वे इश्क ए मुस्तफा नाल भर के वंजो और फैजान ए औलिया नाल भर के वंजो ता मजा आवे पता लगे महफिल च गए यार कुछ फायदा थे और इन्हें को पता लगे जिन्हें कई दिनों तो मेहनत करके ये सोनी महफिल सजाई अल्लाह ने जिंदगी सजावे जिन्हें सोना प्रोग्राम बनाया उन्हें कोई पता चले वली नाल यारी लई से बहु कुछ लाभ निस्बत उन्हें नाल मिलता क्या है लंबी चौड़ी गुफ्तगु नहीं दोस्तों ने गिरामी उम्मीद आयत के अंदर लोग खजाना का जिक्र किया गया ईमान ते तकवा और शैतान इन्हों का दुश्मन है चोर है डाकू है वो चाहते मोमिन का ईमान खत्म करा तकवे वाले दा तकवा चोरी करा चाहते अल्लाह करीम ने हुक्म ही वास्ते फरमाया जले वलियां दे लड़ लग वे सो ईमान ही बच वे सी तकवा ही बच सुभान अल्लाह सारे ग्रामी जरा अगली गल सुन तवज्जो दे ध्यान दे नाल
क्यों अल्लाह करीम ने निस्बत जोड़न का हुक्म दिता, क्यों वली ए कामिल दी उसकी तकरीबन आके बैठे हो, क्यों आके बैठे हो, आखिर वजह क्या है? दोस्ताने गिरामी, पीर पठान दे खलीफन ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी, जरा बोल मोहब्बत ना सुभान ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा सुलेमान मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह दे खलीफा, आप बाजार दे विचु लंघ के वेन मस्जिद विच मस्जिद नमाज पढ़ावन की खातिर अल्लाह बख्श तौसवी तो मैं ये खुद ये पढ़े किताब के अंदर, आप बाजार जो लंघ के वेनन केड़े पासे मस्जिद विच नमाज पढ़ावन की खातिर, दोस्ता पीर होंदा ही होए जड़ा मस्जिद आबाद करने वाला हो, पीर होंदा ही होए जड़ा मस्जिद आबाद करने वाला होवे, अल्लाह दे घर को आबाद करने वाला होवे, दोस्ताने गिरामी जड़ा पीर रब दे घर को आबाद नहीं कर सकदा, ओ दीन क्या बचे सी, ओ शरीयत क्या बचे सी, मैं शरीयत भी हूं बचावनी है, दीन को हूं रंग लामने जड़ा अल्लाह दे घर को आबाद, आप वेन मस्जिद नमाज पढ़ावन किते ते रस्ते विच ना दुकान है, बाजारो गुजरते वेन ना दुकान है, दुकान दे उते बावन वाला मुसलमान नहीं, कलमा पढ़न वाला नहीं, हिंदू है, हिंदू हिंदू है, राम राम करन वाला हिंदू नौजवान है, जेले ख्वाजा साहब गुजरना उठो ते ओ देखे ख्वाजा साहब को, अल्लाह वाले को देखे ना दिल च खिच पोवे, मोहब्बत पैदा थी वे, ते दुकान सौदा तुलेदा करे, सौदा छोड़ दे वे, सौदा छोड़ दे वे, काक छोड़ दे वे, उठी दे खड़वे दे बारू निकल दे, आ दे खड़वे दे, आ दे लज पाला को ला जाने, लज पाला नु ला जाने, लज पाला नु ला जाने, दोस्ताने गिरामी आके खड़ वंजे लज पाला को ला जाए, दोस्ताने गिरामी ख्वाजा साहब गुजर के वंजन पे आप नमाज पढ़ावे वापस निकलें, उदे दीद मस्जिद ते बुहे थे, जेले आप आवन लगे दीद मस्जिद ते बुहे थे, नारे तकबीर नारे रिसालत, और क्यों ना आपस आ चंगिया चंगिया नाल साडा प्यार है, हाँ जिंदा प्यार वो बोले चंगिया चंगिया नाल साडा प्यार है, चंगिया चंगिया नाल साडा प्यार है, इंशाअल्लाह साडा बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह सा करो साडा दारू पीर दादी दार है, साडा दारू पीर दादी दार है, बोलो अल्लाह राजा से वापस आवे ना हिंदू उतांगे जे जेले मस्जिद दरवाजे निकलन पवन सौदा छोड़ देवे उठी दे हाथ बांध खड़ दे दे आधे लज पाला नो ला जाने, बोल जरा यार सुभान अल्लाह, लज पाला नो ला जाने, लज पाला नो ख्वाजा सब गुजर के चलने वजे दोस्तों ने ग्रामी अपने काम में मसरूफ थी वजे, एकड़ी बार आप है ते दुकान बंद है जवान कहनी, दूजी दी बार है दुकान बंद है जवान कहनी, ए जेड़े रब दे वलिया नाल प्यार करने से लज पाली उन नाल प्यार करे सुभान अल्लाह, ख्याल रखे पढ़ गिनो दे वाल फरमाया उड्डू भी टाइम थोड़ा है, बोल जरा यार सुभान अल्लाह, देखो मुरीद की हालत तो पता होवे, देखो मुहब्ब की हालत तो पता होवे, और पीर होता होवे सारा ईमान ते अकीदा है, देखो मुरीद के हर हाल की खबर हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अफरमा उंदे टाइम थोड़ा जुलो पहले पूछो ते वाल नमाज पढ़ सो फैसल तौर पे मुरीद नाल खलीफे नाल तौर पे जले पहुंचना हिंदू के दरवाजे दरवाजे खटको ने हिंदू एक बाहर आया मैं कहा सी क्या काम है उना कैसे असा ओ नौजवान को मिलने उना कैसे किबला तो आदे दस्तूर ते उसूल कुछ बेहन तुसा मुसलमान है वे असा हिंदू है सारे उसूल ते दस्तूर कुछ बेहन तुहाड़ा को जले मरण पोवे तुसा वजू बने देवे कुरान चे देवे तिलावत करे देवे कुरान सुने दे मरण वाले को ते असा जले साडा को मरण पोवे साडा उसूल ते कानून है असा कल्ले
कमरे च बंद करके ताला ला देने हैं, जो तुम्हें मर रहना ताला खुले दे कैम से। फैसा बाखा चल खोलो 2 मिनट मैं उनको मिलने 2 मिनट ताला खोलो। बोल जरा यार, इतना मजमा थे सुबह अल्लाह की सदा थोड़ी उच्ची आवाज ना सुबह बली दी रूह खुश थी इन शाह अल्लाह बहु कुछ मिल पोसिया। बोल जरा सुबह दोस्तान ग्रामी खास सभा क्या मैं आपको मिलने 2 मिनट दरवाजा खोलो। उन्हें कहा हुजूर हम ताला लग गए हूं दरवाजा नहीं खुलता। फरमाया मियां मैं तो कहा कि मैं आपको मिलने दरवाजा खोलो। उन्हें कहा सी हूं दरवाजा कहना खुल सी ताला ला चुके हैं कहना खुले सो। फरमाया चा सुनो जे तुनी खाजा अल्लाह बाप उनको मिल सी कहना वो जवान मर सी। जे तुनी मिल सी ना वो जवान मर सी कहना। हुन बंदे पै गए 6-5 सियाने कट पंचायत के बंदे सियाने सियाने बंदे विच खड़े हैं। उन्हें आखे यार गाल ये हुण की मैं करूं ए बाबा ओ ए जड़ी मुंह कढे पूरी थींदी है। बोल इतनी इजाजत दे चा दरवाजा खुलिया। दोस्तों ने कहा ये सरकार ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफ रहमतुल्लाह अलैह वली ये कामिल आप आए आप चलते गए ते दरवाजा खुला पे जवान की अख सामने लगी पई है। देखा पे ते अखां विचों नीर जारी ने कुछ आधा पे बला क्या आधा पे वादी कश्मीर दा बादशाह बोलिया क्या आधे 2 घड़ियां रुक जा तकदीरे सानू लगियां तोड़ निभा लैन दे खुद जानी हवाले मैं कर दे सा खुद जानी हवाले मैं कर दे सा इस जान दा मालिक आ लैन दे। सुभान अल्लाह पुत्रा रोंदा क्यों आ गया लजपाला दाढ़ी देर की थी बड़ी इंतजार की थी तेरी दाढ़ी देर की थी। आपने फरमाया रो ना गाल सा वहां क्या सोना जे उमें टोर वन्या हा दा वाल क्या बने हा मेरा उमें टोर वन्या हा क्या बने हा रो दा ही गालू पिया जो लजपाल आवे कलमा पढ़ावे कई खाते दे ठीके मरूं कई खाते दे ठीके मरूं जड़ा कलमा पढ़ी वजन ना करे लाज रखू कलमे दी कई खाते दे ठीके मरूं आ पाई सई आले ठीके मरूं जिन्हां दे बूहे ते आया बैठे जरा हुना दी लाज रख 5 वक्ती नमाज दा दामन ना छोड़ रिज़्क के हलाल खा हराम तू बच इंशाअल्लाह ऐसी मौत आसी मौत वाले फरिश्ते भी तेको सलाम पेश करे। सुभान अल्लाह तकबीर अपने अगर मैं तो उठदा बांधा दिठे आंदा वेंदा दिठे खांदा पींदा दिठे अलेंदा बुलेंदा दिठे तुहाडी हर हर अदा मेरे दिल च बस चुकी है तुहाडा मैं गुलाम ते नौकर बन चुकिया। अगर कलमा पढ़ावे अपना हुने पढ़ावे पढ़न को तैयार हां अगर कलमा पढ़ावे नबी दा पहले नबी दिखा वल सुभान अल्लाह अगर कलमा पढ़ावे नबी दा मैं दिखा नहीं तेरे नबी को अपना पढ़ावे पढ़न को तैयार हां हुने पढ़दा अगर कलमा पढ़ावे अपने नबी दा कहूं नबी दिखा वल कलमा पढ़ा। ख्वाजा साहब जरा परेशान थे जिले परेशान थे ना सरकार ने थापी दी थी फरमाया अल्लाह वाह क्यों परेशान थी ने तो कल्ला तेरा नबी तेरे कोल मौजूद जरा आशिका दे नाल हर वेले मौजूद है अन नबी जो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसहिम और नबी मोमना दे उना दे जाना तू भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह हदीस पाके इन्ना शौकता तशूक फी रिजली अहदकुम लवजद तो अलमा ए सुन केड़े सोने दे जिक्र वास्ते अगो महीना आदा पे रबी रब्बल दा आशिक जिक्र करे सिर सुन सो सीने ठरसन दोस्ताने गिरामी ए केड़े नबी दी महफिल सजेंदे हो केदा मिलाद मनेने है असा केड़े सोने दे गुण गाने हैं ओ नबी फरमेंदे तेरे पैर च लगे कंडा उमतिया तेरे पैर च कंडा लगे तेरी सी बाद च निकलदी है मोहम्मद को तकलीफ पहले थी। सुभान अल्लाह तो अलमा
मेरे दोस्त कलमा पढ़िया रूह परवास कर गई बंदा थी गया फौत। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत तशरीफ गिन के आए जल्ले आप बह रहे तो आपने फरमाया हिंदू गाल सुनो ये मेरे नबी का नौकर बन गए मेरे आका का कलमा पढ़ गए दिस मुसलमान थी गए तुहाडे कम दा नहीं रिया सागो दे वो असा गुसल दे कफन पवाऊं जनाजा कराऊं पीर से मेहरबानी करो पे चाटो ना जो मर्जी थी कैसा अपना काम पूरा करे सो लकड़ी रखो ने हिंदू वाला इवें नहीं करेंदे लकड़ी रखो ने तेल मंगियो ने उत्ते रखो ने जवान की मैयत तेल सटो ने चीनी लियो ने भांभड़ बाल गए दोस्ताने गिरामी ते ख्वाजा साहब भी खड़े थे तस्बीह चाह दे कोल खड़े थे लाजपाल सिर दे होवन यार बाल सिर दे होवन दोस्ताने गिरामी ख्वाजा साहब खड़े ओ बालन सटे ने पर जवान दे जिस्म ते जिस्म जिहड़े कपड़े सन हुना को सेक ना मुहम्मदी गुलाम कदा सड़ देना सड़ते भी हैं मुहम्मद ना कर क्यों सड़े ना एहतराम करे दिए जेले थके ना एक दूजे तो देख दिया दे ख्वाजा साहब आधे ठीक ना कहते सोना है तो आधा एक सादा हो गया कफन पे ने जनाजा चाहे जनाजा पढ़ोने जनाजे तो बाद दफन करने का वेला आया पूछा कोई है ही रिश्तेदार उन्होंने असि सोना कोई कह नहीं फरमाया जिंदा कोई ना हो असा वली हूं रिश्तेदार मुस्करा पे जेले दफन करके वापस वेंदे बन रहा ते खलीफे जुड़ के है सही कबर दे उत्ते दा नबी पाक खुद रुने उमर पाक रुन सिद्दीक पाक रुन अली पाक रुन वड़े वड़े शाना वाले रो पे ते तुसा मुस्कराए खिलन दी जात ना आई रोवन दी जा आई तुसा खिले क्यों है आ फरमाना चुप करो चुप करो ओ खलीफे कोई होने चाहिए ते चिंबर के ना हुजूर दसो दा सही आ फरमाया हुन कबर च होनी आधा पे लजपाला नो ला जाने आए दामन पकड़ गिन सोना अमा तारीफ होनी अनल्लादी सकौत का शरबत सकाई तो का शरबत मैं ओ आ जड़े तशरीफ गिन आवे तो को पानी दा गिलास पेश कीता बोल जरा यार ये वलिया दी खिदमत नाल ए जाय नहीं थीदी ए एठा भी सही वारिस होनन उठा भी वारिस होनन तो कोई पानी दा गिलास पिलाया हामी दोस्ताने ग्रामी ते ओफर मैसेज चलो ठीक है हुन क्या है सोना तुसा जन्नत वेंदे पियो मैं तुहाडी खिदमत कीती है गुनाहगार हां वल क्या थी पिया तुसा जन्नत वणो असा जहन्नम दी साफिश करू अपन सारा रोक रोक वेसन रब दी बारगाह सजदा करे सन अल्लाह करीमा मेहरबानी फरमा मैं तेरा वलिया या अल्लाह ए बंदा ही मेरी खिदमत कीती है ही कुदै जा सके अल्लाह करे फरमाईसी वलिया आप भी वानी को नाल के ना तू ही वन तई को खेनो वल क्यों ना को चंगियां चंगियां नाल साडा
साडा बेड़ा पार है। वमा अलैया इल्ला अल बलागुल मुबीन।